हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्लॉकचेन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जिसका एम है ये एंश्योर करना कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सुइटेबल हो डेली यूज के लिए। इसके अलावा जहाँ पे जो बिटकॉइन है वो हैंडल करता है 6 ट्रांजेक्शन्स को पर सेकेंड में एंड इथेरियम करता है 25, वही जो ये सिस्टम है ये क्लेम करता है कि इसके नेटवर्क की जो कैपेसिटी है वो है 2000 TPS। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे इस प्लेटफॉर्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रोन। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, एंड वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए पहले वीडियो देख लेना, लाइक आप बाद में कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रोन की, जिसे TRX भी कहते हैं। तो ट्रोन यानी कि TRX एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप हुआ है ट्रोन फाउंडेशन के द्वारा एंड ये लॉन्च किया गया है 2017 में। तो ओरिजिनली TRX टोकन्स जो है ये ERC20 बेस्ड टोकन्स है जो डिप्लॉयड है ऑन इथेरियम पर, बट एक ही साल बाद इसने अपने खुद के नेटवर्क पे मूव कर लिया था ERC20 टोकन से। तो इनिशियली इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया गया था इस एम के साथ ताकि ये प्रोवाइड करे फुल ऑनरशिप राइट्स अपने मेकर्स को, डिजिटल कंटेंट के जो मेकर्स हैं उनको ये ऑनरशिप राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करे। इसके अलावा इसका एम है कि कंटेंट क्रिएटर्स की हेल्प करना, जो बिल्कुल स्मॉल पार्ट इनके इनकम का रिसीव करते हैं उनको ये एनकरेज करता है एंड उनके वर्क के लिए उनको ज्यादा रिवॉर्ड्स देता है। तो ट्रोन सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, वेरियस काइंड्स ऑफ ब्लॉकचेन सिस्टम्स को एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्स यानी कि डैप्स को। अब इसकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो पब्लिक लेजर में रखी जाती है जहां पे जो यूजर्स हैं वो इजीली इसके जितने भी ऑपरेशंस है उसकी हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये बिल्ट हुआ है क्रिएट करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट को, एंड साथ ही ये सर्व होता है एज अ टूल फॉर डेवलपर्स ताकि डैप्स को क्रिएट किया जा सके। इतना ही नहीं, ये एक्ट करता है एज एन अल्टरनेटिव टू इथेरियम, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी क्रिएट कर सकता है डैप्स को ट्रोन नेटवर्क में, ऑफर कर सकता है कंटेंट को एंड रिटर्न में वो रिसीव कर सकता है डिजिटल एसेट्स को अपने काम के लिए, अपने जो कि कंपनसेशन माना जाता है अपने उनके एफर्ट्स के लिए। इसके साथ ही इसमें एबिलिटी है कि ये कंटेंट क्रिएट करता है एंड इसको शेयर करता है ओपनली विदाउट हेजिटेशन रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन फीस, जो कि इसकी एक अनडिनाइबल एडवांटेज है इस ट्रोन नेटवर्क की। तो यानी कि ये जो ट्रोन नेटवर्क है कितना ज्यादा बेनिफिशियल, कितनी सारी एडवांटेजेस के साथ आपके सामने आप देख पा रहे हैं। ट्रोन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकचेन्स है जो कि डैप्स को बिल्ड करता है। अप्रैल 2022 में जो CEO है ट्रोन के, जिसका नाम है जस्टिन सन, उन्होंने अनाउंस किया था अपने प्लान्स को कि ये लॉन्च करेंगे एक एल्गोरिथमिक स्टेबल क्वाइंस को, जिसको डब किया गया था डिसेंट्रलाइज्ड USD और USDD में। एंड इसके लिए रिक्वायर होता है ऑटोमेटेड बैलेंसिंग टेक्निक जो बर्न करता है $1 वर्थ ऑफ TRX टू मिंट 1 USDD को। एंड ट्रोन डाउ रिजर्व जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये मैनेज करता है USDD को एंड ये एंश्योर करता है कि जो इसकी वैल्यू है वो स्टेबल रहे रिलेटिव टू द वैल्यू ऑफ इट्स अंडरलाइंग कोलेट्रल। यानी कि ऑल्सो ये APY को भी सेट करता है ऑफर अपने यूजर्स के लिए जो USDD को स्टेक करते हैं। तो बात करें ट्रोन के फाउंडर्स की, तो ट्रोन जो है ये फाउंड किया था जस्टिन सन ने, जो अब एज अ CEO सर्व होते हैं। एंड इनकी जो एजुकेशन की अगर बात की जाए तो ये एजुकेटेड है एट पेकिंग यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, एंड साथ ही इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय फोर्ब्स एशिया इन इट्स 30 Under 30 सीरीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। एंड थोड़े से अगर इसके फाउंडर के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म हुआ था 1990 में एंड ये रिपल के साथ भी एसोसिएट कर चुके हैं अपने पास्ट में, जहां पे ये सर्व हुए थे एज इट्स चीफ रिप्रेजेंटेटिव इन द ग्रेटर चाइना एरियाज। अब ये ट्रोन के बारे में तो हमने जान लिया कि ट्रोन क्या है, कैसे काम करता है और क्या कौन से इसके फाउंडर हैं। अब बात करें इसके यूनिकनेस की, कि कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रोन को यूनिक बनाती है। तो ट्रोन जो है ये पोजीशन करता है खुद को एज एन एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में जहां पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो एक अपनी ऑडियंसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही ये सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स जो है उनको ये करता है एलिमिनेट। अब चाहे ये सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो, एप स्टोर्स हो और म्यूजिक साइट्स हो, ये इन सबको एलिमिनेट करता है। तो और इसके साथ ही ऐसी भी आशा रखता है कि जो क्रिएटर्स हैं उनको ज्यादा लॉस ना उठाना पड़े, ज्यादा से ज्यादा उनको जो कमीशन है वो अपने मिडल मैन को ना देनी पड़े, बल्कि इन टर्न वो अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा लेस एक्सपेंसिवली क्रिएट कर सकते हैं फॉर कंज्यूमर्स के लिए।
तो अब इसका प्राइस चार्ट जो है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि क्या इसकी प्राइसिंग रही है, कैसा इसका ट्रेड रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कर रही है, वो सब कुछ आप इस प्राइस चार्ट में देख सकते हैं। तो अब प्राइस चार्ट तो आपने देख लिया, आप बात करें कि ट्रॉन नेटवर्क सिक्योर कैसे है, आप लोग क्यों इसमें इन्वेस्ट करें, तो इसका भी जवाब है ट्रॉन जो है ये यूज करता है कंसेंसस मैकेनिज्म को, जिसे कि डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक से जाना जाता है। तो TRX ओनर्स जो है वो उनकी क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज कर सकते हैं ताकि ट्रॉन पावर को लिया जा सके, यानी कि जिसका मतलब ये है कि ये वोट कर सकते हैं फॉर सुपर रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो कि सर्व करेंगे एज अ ब्लॉक प्रोड्यूसर्स, जिसका मतलब है कि ये वोट कर सकते हैं फॉर सुपर रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो कि सर्व होते हैं एज ब्लॉक प्रोड्यूसर्स। तो अब जो ये ब्लॉक प्रोड्यूसर्स हैं ये रिसीव करते हैं TRX रिवॉर्ड्स को इन एक्सचेंज फॉर वेरीफाइंग ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करवाने के लिए इनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एंड ये जो रिवॉर्ड्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उन लोगों में जिन्होंने वोट की होती है। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रॉन ये जो अप्रोच है ये हेल्प करता है इनकी ब्लॉकचेन के लिए, जिसकी वजह से ये हायर लेवल ऑफ थ्रोपुट को अचीव कर सकते हैं। तो फाइनली अब बात करते हैं कि आप ट्रॉन को कहां से बाय कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से ट्रॉन को बाय किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है। तो जो ट्रॉन है इनको डजन ऑफ एक्सचेंजेस पर ये लिस्टेड है जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है पोलोनिक्स, बैंकोर, कुकॉइन, बाइनांस, बिटफिनेक्स, क्वाइनबिन एंड मेनी मोर, तो जहां से आप इन्हें बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं एंड ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर बताऊं तो अभी ये फिलहाल के लिए क्वाइनबेस के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा, हो सकता है फ्यूचर में ऐसी कोई अपडेट आ जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, ये थी बात क्वाइन की ट्रॉन। आई होप आपको ट्रॉन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इट इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो जो आप पूछना चाहते हो वो भी आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए तब तक हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पर। एंड एक सेकंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर करके जाइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।